चल भाई चल। गल तो सुनो सेठ। सेठ। वो हमारी जमीन ले जाने की बात कर रहा है। जमीन चली गई तासे की करेंगे? क्या भीख मांग कर जिएंगे? मैंने हमारी बेटी की शादी के लिए उससे पैसे लिए थे। उसने एक कागज पर मुझसे अंगूठा लगवा लिया। अरे मैंने की पता सी की सब कुछ बदल गया सजना, और आगे भी तेजी से बदलने वाला है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को न जाने क्या क्या देखना पाएगा। देख ले अपना धनराज, साहूकार ने अंगूठा लगवा लिया कागज पर और जब्त कर ली जमीन। ऐ हुआ इस करके कि हमारी तरह धनराज भी पढ़ा लिखा नहीं है। जो उदय नाल हुआ है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। एक गल दसा, तेरे दो बेटे हैं, उन्हें शहर भेज दे, ठीक से पढ़ लिख लेंगे और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। यार तू तो जानता है मेरे दोनों बच्चे मेरी जिंदगी है, मैं उन्हें अपने से दूर कैसे रखूंगा। ओ दयाल, तू इस मामले में दिल से नहीं दिमाग से सोच। घर में एक बंदा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हाँ तू ठीक कह रही है, मगर जिगरा बड़ा छोटा है। ओए पर अमन तो वड्डा है, समझदार है और फिर आता जाता रहेगा। तू सोच, एक बेटा वकील, एक बेटा किसान। ओए तू तो दुनिया जीत लेगा। हाँ तो ठीक कह रही है। मैं अंदर बैठ रहा हूँ। पैसे ठीक तरह से रख लिया? इत्थे। देख मैं वहां नहीं रहूंगा, तो अपने आप में संभाल लेना। तो समझाने वाला नहीं, ना ही डांटने वाला, ठीक है ना? जी बाबूजी। होशियार पुत्र है तुम्हारा। चल चल ओए तुरना बनकर, कल रात से शुरू किता है जिगर। अगर तू ऐदा ही रोएगा तो मैं कैसे जाऊंगा? मेरी जिंद दा लाडला हो चलया आएगू, अखां नूं कवां रोण तू रुक जा, मेरी अखियां दा आएगू जा पुत्रा। आप सबको सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरी बात ठीक से सुनिए, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने आपके गांव और उसके आसपास की जमीन पर
कमर्शियल इंडस्ट्रीज बनाने की इजाजत दी है, इसलिए हमारी कंपनी आपकी जमीन खरीदना चाहती है और उसके बदले में हम आपको आपकी जमीन की कीमत से ज्यादा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। एक सरपंच होने के नाते मुझे तो सोहन सेठ की बात गांव की खुशहाली और भलाई की लग रही है। और जी मैं तो अपने पिताजी की जमीन बेच के एक चंगी सी गड्डी खरीद लूंगा जी। ओए चुप करो ओए, तू तो ऐसे दस रहे हैं जैसे तुम्हारे को दो चार एकड़ जमीन है, अरे तेरी जमीन बेच के तो साइकिल भी नहीं आने वाली। सोच विचार लो, इतना अच्छा मौका आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा। हाँ? आप सब लोग इसकी बातों में मत आना। ऐसा ही एक लालच एक साहूकार ने मेरे घर वाले नु भी दिता सी, जिसकी वजह से मैं और मेरे बच्चे आज तक भुगत रहे हैं। ओए चुप हो जा, तेरा इस मुद्दे से कुछ लेन देन नहीं, तेरे कोल तो जमीन भी नहीं। ऐसे लई था अपने किसान वीरा नु मैं ऐसे साहूकार तो बचाना चाहती हूँ। ओए चुप, ओए बोलने दो उसे, यहाँ अपनी बातें करने के लिए बुलाया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमीन असी इदी गल नहीं सुननी, पौंकी जांदी है इत्थे, चल चल निकल चाली थो जिगर। जो बोले पापा जी। आप बोलिए। मैं आप लोग का बोलिए। मैं आप लोगों को यह दसना चाहती हूँ कि आज अगर एक छोटे से लालच में आके आप लोगों ने जमीन बेच दी तो कल की करोगे? पैसे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, किसान नू खेती तो अलावा कुछ आंदा भी तो नहीं। एक गल मैं अपने तजर्बे से कह रही हूँ, एक ही जाने कि किसान लिए जमीन दे की मायने होंगे ने। बहन जी मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता है। सेठ जी अगर हमने जमीन नहीं बेची तो शायद इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे, मगर थोड़ा ही सही, इस जमीन से जिंदगी भर हमारी पीढ़ियां खाएंगी। यार अमन, और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? क्यों फिर से जाना है क्या? इतना पानी क्यों पीती है तू? अमन छोड़ो उसे, क्यों तंग कर रहे हो? मजा आता है। आई थिंक दैट्स सरसो। ये जगह वाकई में कितनी खूबसूरत है। यकीनन बहुत खूबसूरत है, नजर हटाने को दिल नहीं करता। तुम मुझ पर नजर कम, रोड पर नजर रखो। अरे ये क्या कर रहा है? इसे क्या हो गया है? ये ऐसे तुम लोग सब ठीक हो ना? संभाल के। ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। अबे कैसे हो गया? I mean गाड़ी तो नो एक्सल टूट गया। हमें कितनी देर बैठना पड़ेगा ऐसे? क्या करें? Oh shit, yaar, what the hell is this? Oh my god! No! It's just a bee! कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रही है लोग?
लगता है वो हमें अकेला छोड़ना चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे अच्छी तरह समझते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझती? समझती हूँ बाबा, बस थोड़ा वक्त चाहिए, जिंदगी भर का सवाल है। ओके बॉस, ओके। पैरी पहना पाओ जी। जिंदा रहे, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये सारे मेरे दोस्त हैं बाबूजी। नमस्ते अंकल जी। बाबूजी ये प्रिया है, ये मेरे साथ काम करती है। और प्रिया ये जिगर है जी, पहली बार में पहचान लिया। अमन ने कहा होगा कि जी पिंड विच बावला से लगे है, वही मेरा छोटा फ्लैग। पुत्र मगर ये होया किस तरह? अरे कोई पागल लाल गाड़ी में आ रहा था, उसकी वजह से हुआ। वीरे वो पागल निर्मल होगा, वो अभी भी ऐसी हरकतें करता है। छड़ सुधरा नहीं अभी तक। ये कैसे निकालेंगे? ये तीन लोग गाड़ी को उठा लेंगे। आओ जी, आओ जी, आओ। होनी इधर इलाज कर देने है। ओए तू उठे खड़ा है, आके साड़ी मदद कर। ओ शेरी लॉन्डो पतला। चल शाम आखिर हम घर पहुंच ही गए। वाटर कमरा इस तरफ है। थैंक यू अंकल जी। ओए ए की ए क्या ए ओए प्राजी तूने बाल कटा लिए? पापा जी। बाबूजी को मत बताना, वो बुरा मान जाएंगे। देखना मैं तेरे लिए क्या लेके आऊं शहर से, देख कितने अच्छे अच्छे तोहफे लाए। ये देख, ये कैल्विन क्लाइन की जीन्स। ओ प्राजी किसी और की पहनी हुई पैंट मेनू पे ना रहे हो? ओए काके कैल्विन क्लाइन बहुत बड़ा डिजाइनर है। ओए ओए अगर इतना बड़ा डिजाइनर है खुद पैंट सिलता है? और तू पहन ना, और बाबूजी को मत बताना प्लीज। ओए दे जल्दी दे यार, की कर रहा है यार? ओए ले ले पुत्र, क्या ये फैक्ट्री है अंकल? ओए बिल्कुल फ्री है पुत्र, हमारे पंजाब में मेहमान से पैसे नहीं लेते हैं। अमन तुम्हें बाबूजी को बता देना चाहिए, उन्हें किसी और से पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। बाबूजी बाबूजी अमन आपसे कुछ कहना चाहता है। बाबूजी वो क्या है कि मैं जानता हूं तूने अपनी केस काट लेते दुख इस बात का नहीं है, दुख तो इस बात था कि तूने ये गल मुझसे छुपाई। तू था मेरा पुत्र है ना बाबूजी? खैर मैं शहर की जिंदगी समझता हूं, पर इन्ना बिना बदलना कि मैं तेन पहचान ना पाऊं। मुझे माफ कर दो बाबूजी। ना कोई गल नहीं, जिंदा रहे। तेनू की होया, तू तो ना बदल।
पापा जी ये पैंट पहनने से ना अच्छे खासे इंसान की चाल बदल जाती है। You are looking hot, man. Hot? जब पैंट में हवा जाने की जगह ही नहीं है तो गर्मी होनी होनी। Hey dude, you rocket man. Rocket? किथे? Rocket ने brother, rocking, rocking means dance, hip hop, move your body, baby. पापा जी, ये बहुत फुदक रहे हैं। लगता है इन्हें दिखाना पड़ेगा तो इसी पंगड़ा। Yes sir. Yes. पंचायत में आप बोल और गांव वालों को भड़का रही थी ना तू वही निर्मल कर दे तोड़ दे कर दे पाजी, पाजी, क्यों है माजी ने? फिसल के गिरने से गर्दन की हड्डी टूट गई है। एक गल दस्ता जी, अमन प्राजी के बारे में। बचपन से अमन प्राजी का दिल बहुत ही बड़ा है और शहर जाने के बाद दिमाग भी पा लिया। चंगी कुड़ी है और पूरे पिंड को बहुत गर्व है उनपे। शहर से और भी तो लोग आए तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुसी खास हो ना। तुम्हें कैसे पता? और पता है सिर्फ पता है। Is this papad? नहीं रोटी है, रोटी है, रोटी है, सब्जी रोटी है, बहुत अच्छी होती है। बनती है बॉडी, अरे बीमार। सत श्री अकाल बच्चों। सत श्री अकाल डूड। दूध ज्यादा? ओए दूध ले ओए दूध। No, sir, you're not getting the point. He means to say you are dude. आप dude हो। मैं कौन हिसाब नाल दूध दिख रहे हैं? गाय दिख रही है दूध देने वाली? नहीं नहीं अंकल, वो शहर में दूध का मतलब गाय होता है। दूध नू गाय? मेरा मतलब आदमी को दूध कहते हैं। ओए आदमी ता हूँ, और क्यों दिख रहा? कूल दूध मतलब ठंडा आदमी सर। ठंडा आदमी क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? चंगा, आप चंगे हो? चंगा। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाय कितना सी मामा जी की तबीयत जो खराब है ना, उन्हें देखभाल के लिए कोई नहीं आएगा। डॉक्टर नहीं जो बनी है? ना ना, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पैंदा है। उन्हें इलाज जो चल रहा। ओए जिंदी रहे तितली। हाय। हाउ आर यू? यस प्लीज, वेरी मच। पाजी जरा गल करनी सी। दसो दसो। वो बाजार में? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप प्रिया जरा सूटकेस की चाबी देना। थैंक्स। ओए कितने सी तू मोटी हो गई है। और तुसी सूप के कांटा। पता सी, सब पता सी। नहीं नहीं नहीं। Did we miss something? ओए बढ़ गया यार बातों। बाबूजी मैं आपकी मदद करूं? प्राची शेरी लौंडे भी नमूने हैं। ओए कुछ गड़बड़ लग दी है तो इस कार नु संभाल ले। मैं हमेशा तुझ जैसी बेटी चाहता सी। और मैं आप जैसे बाबूजी।
विवेक। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम मुझसे शादी करोगे? ऑफ कोर्स अरे अरे अरे, मी लेट डू। मी लेट डू नहीं, लेट मी डू इट। ओहो, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अब तो तुम मेरी दोस्त बन गई हो ना? दोस्त नहीं, पावी। बाबूजी तुसे की कर रहे हो? और शहर दे मुंडे हैं, लिटा दिया मैंने सबको। सर अभी मैं बाकी हूँ, एक और हो जाए। हाँ चल पुत्र। कवर वन टू थ्री। ओए हरी, मैनू लगता है शहर दे मुंडे च कोई खोट है। साड़ी देसी इन्ना नू हजम नहीं होंदी। नहीं होंदी। ओए दयाल कित्थे है? हाथ दे। शहर तू आया है, बहुत ठंड लग रही है ना? हाँ बाबूजी। आता जाता रे, बड़ी याद आंदी है तेरी। दयाल, कल फिर से पंचायत बुलाई गई है। ओए तो मैं की करा? क्या हुआ बाबू जी? अमन बेटा, शहर से एक बंदा आया है, सोन सेठ। वो सड़क के किनारे वाली जमीन खरीदना चाहता है फैक्ट्री लगाने वास्ते, और पैसे के लालच में गांव के बहुत सारे बंदे राजी भी हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हुए हम अकेले पड़ जाए और दबाव में आकर हमको समझौता करना पड़े। आप फिक्र मत करो बाबू जी, गाँव में कोई भी चालाकी या जबरदस्ती से किसी की जमीन नहीं छीन सकता। कल पंचायत में आपके साथ चलूंगा। ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ, बंदे मेरा इंतजार कर रहे हैं। बोतल इंतजार कर रही है। ओए जो तू समझ ले तू समझदार है। सुधर जा, सो जा पुत्र, सो जा। पापा जी पंचायत विच मैं भी चलांगा। ना जिगरे, कल तो शहर जा रही है बीज लेने, और वैसे भी पंचायत लट दी नहीं दिमाग की जरूरत होती है। भाई गुरु आज बड़ी खुशी हो रही है मैनू। ये दयाल का बड़ा बेटा है, शहर से वकालत करके आया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हेलो, आई एम सोहन सेठ। लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मुझे एट द कॉटन क्लब? नहीं, वहां तो सिर्फ बड़े लोग जाते हैं। डोंट वरी, एक दिन वहां हम जरूर मिलेंगे। प्लेजर। थैंक यू सर। सारे सुनो, देखिए सभी पहुंच चुके हैं, अब हम पंचायत शुरू करेंगे। मेरे पास उन लोगों के नाम है जिन्होंने अभी तक अपना राजीनामा नहीं दिया है। जब तक सारी जमीन का सौदा नहीं हो जाता तब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती। सरपंच साहब, जिस जमीन ने साडे बुजुर्गों नू रोजी रोटी दित्ती, ओ जमीन असी नहीं बेचांगे। ए साडा फैसला है। चुप है, तू कौन आंदा फैसला करन वाला? ओए मुंडे, ये प्रजातंत्र है, यहां सारे नो बोलने दा हक है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। विलेज डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें से एक है खेती की जमीन, जिसे खरीदने के लिए कुछ कानून है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई और, यहां तक कि सरकार भी आपसे जबरदस्ती आपकी जमीन नहीं छीन सकती। किसान अपनी जमीन बेचे या ना बेचे, इसका फैसला सिर्फ किसान करेगा, और इसका हक इस देश के कानून ने दिया है। सुना है शहरी लौंडे, अपनी वकालत शहर में जाकर झाड़, ये गांव का मामला है। ओए निर्मला, ए मुंडा इसी गांव का है, होश इच गल कर। मैनू लगता है तू इस बाली उम्र में सठिया गया। ओए
और तू? और तू नहीं जानता तेरे वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है? दयाल मेरी गल सुन, इस सौदे से हम सब का फायदा है। सरपंच जी, अपनी मां को बेचकर कभी किसी का फायदा होया? देखिए देखिए देखिए, प्लीज 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 प्लीज, मैं आप सबकी भावनाओं को समझता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि इस बात को अभी ज्यादा लंबा खींचा जाए, और ना ही अपने सौदे के लिए इस गांव के आपसी रिश्तों को बिगाड़ना चाहता हूं। आपकी जमीन है, आप इसके मालिक हैं। अगर मुझसे किसी भी तरह की तकलीफ पहुंची आप लोगों को, तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। ओए सेठ, ऐसा किए शाबाश पुत्र, शाबाश, सब दी छुट्टी कर दी, वाकई वकील बन गया तू। चल। ओए, तुम बाप बेटों ने कसम खा रखी कि गांव को परेशान करने की, इस गांव में रहके वो ही करना पाएगा जो असी चांदे। ओए मैनू एक गल दस, तूने पूरे गांव का ठेका ले रखा है क्या? गांव में जो भी जो चाहेगा वो करेगा, कोई भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अबे ओए लौंडे, तू गलत बंदे नाल पंगा ले रहा है। ओए गलत क्या है, सही क्या है, साडा अमन चंगी तरह जानता है। अब उठे, तू पागल हो गया क्या? चल जाने, मैं समझाऊंगा इन्नो। ओए तू की समझाएगा, सारी गड़बड़ तेरे वजह से तो हुई है यहाँ। तमीज से बात कर, तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? जो हाल धनराज का हुआ ना, वो तेरे बाप का होगा। इससे भी नरमा खुदकुशी करनी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहा है तू? ओए हट जा। फिर आप लोगों ने क्या किया? पाजी तो उसको वहीं सबक सिखा देंगे, मगर खामोश रहे क्योंकि अमन इस केस को कानूनी तरीके से लड़ना चाहता है। अमन इज राइट। अमन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कैसे? नहीं वो ठीक है, वो हो जाएगा। तुम उसको फोन कर देना और वो शहर से फाइल मंगा देगा। ठीक है। अमन रिमेंबर दैट केस स्टडी वी डन, मिस्टर खन्ना वर्सेस मिस्टर बेदी। ताय जी, पानी। हाँ मुझे याद है, उसके बारे में तुम्हें भूल ही गया था। अच्छा याद दिलाया। ठीक है अभी तुम। आप परेशान मत हो बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तू फिकर मत कर जिगर, मैं उसे जेल की हवा खिलाऊंगा। मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है, एक दो दिन में अरेस्ट हो जाएगा। कोर्ट में उसकी बेल तक नहीं होने दूंगा, अंदर सड़ता रहेगा वो। डोंट वरी, आई एम हैंडलिंग दिस, मैं संभाल लूंगा। पापा जी, होया कि
जिगर ये खून कैसा? राजी ये मेरा अपना खून नहीं है, ये उसका खून है जिसने पापा जी पे हाथ उठाया। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अब तेरे साथ क्या होगा पता है तुझे? जिगर बाबूजी इसने काकू का हाथ काट दिया, समझाइए इसे। तू ठीक है? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? कुछ भी तो ठीक नहीं है, ये जेल जा सकता है, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है, 5 साल की सजा हो सकती है इसे। अमन प्लीज। सर आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं कल ही बेल के लिए अप्लाई करूंगा। मैं इस बीच कुछ नहीं कर सकता, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जी मैडम। उसे रोको। सुनिए सर सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए सोनसेट, ऐ की किता पंचायत छड़ के क्यों चले आए? उस शहरी लौंडे ने थोड़ी सी वकालत क्या झाड़ी, हवा निकल गई कि आपकी? अरे निर्मल सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा सोनसेट? उसके दूसरे लौंडे ने काकू का हाथ काट डाला। सोनसेट सटे आ गए हो क्या? निर्मल सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ हथियारों से लोगों को मारा जा सकता है? नहीं निर्मल नहीं, अब उसका छोटा लौंडा जेल में सड़ेगा, उसका तो बंदोबस्त हो गया है, अब सिर्फ बड़े को संभालना है। मैं कोशिश में लगा हूं तुम्हें यहां से बाहर निकालने में, दरअसल केस थोड़ा मुश्किल हो गया है। राजी अब मेरी फिक्र ना करो, आप गांव की पापा जी की फिक्र करो। मैंने हरिलाल से बात कर ली है, वो गांव से कुछ मजदूर बुलाकर काम पर लगवा देगा। अब मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं, जैसे ही वक्त मिलता रहेगा मैं गांव आता रहूंगा। चले बाबू जी, केस की अपील करनी है। कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो गई है, हमारे बस में जो कुछ था हमने किया, लेकिन अमन तुम तो कानून को जानते हो, बस अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर करियर, ओके? जी सर। सर आप यहां? अमन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ कपूर साहब की फर्म हमारे कंपनी के लीगल मैटर्स संभालती है, बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। थैंक यू सर। आई होप यू हैंडल माय अकाउंट समटाइम। श्योर सर, दैट बी ग्रेट। और हाँ तुम्हारे भाई के हादसे के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। अगर हम किसी भी तरह तुम्हारी मदद या कोई भी चीज चाहिए तो आई विल बी ग्लैड टू हेल्प। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ये क्या सर, आप इसे इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं? ही इज नॉट केपेबल। जानता हूं मैं, बैठो। और फिर भी आप मिस्टर कपूर, एक घर को अगर दो हिस्सों में बांटना हो तो उसके एक हिस्से में खुशियों की रोशनी भर दो, दूसरे हिस्से में तकलीफों का अंधेरा खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेगा। एक बार घर टूट जाए तो उसकी हर चीज बिक सकती है। कहाँ हो तुम?
मैं तो अभी तुम्हें फोन करने वाला था। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम टू द कॉटन क्लब। थैंक यू सर। आई एम गुड टू सी यू। बहुत खुश हुई मुझे तुम्हें यहाँ देखकर। यू ओके? यस सर। गुड, आइए आइए, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, प्लीज कम। आइए आइए, आप कोहली साहब हैं? कोहली साहब एक ट्रेड और फाइनेंस कंपनी चलाते हैं। आप सबरवाल साहब हैं? सबरवाल साहब सनराइज ग्रुप इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। प्लीज मीट मिस्टर एंड मिसेस अमन सिंह। नमस्ते। नमस्ते। अमन एक बहुत बहुत काबिल वकील है और इनकी तारीफ मैंने कई लोगों से सुनी है, और मैं सोच रहा था कि हमारी कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां इन्हें दी जाए। हाय। ओह हाय, एक्सक्यूज मी। जी प्लीज। एक्सक्यूज मी प्लीज। शादी भी नहीं हुई और मिस्टर मिसेस कह रही है। तो चल कर लेते हैं। हेलो सर, गुड टू सी यू, आई एम सो ग्लैड यू केम। भाई तुम्हारी तो लॉटरी लगने वाली है। सोन सेठ की कंपनी से जुड़ने का मतलब है लाइफ सेट हो गई समझो। और बताओ तुम्हारा नया बिजनेस कैसे चल रहा है? सर नया बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। गुड सर, वो कौन है? और करी टू यू सर। ओ थैंक यू सर, दैट इज नारंग। कौन कहेगा कि ये हरियाणा के एक छोटे से गांव का किसान था, लेकिन अपनी जायदाद को बेचकर ये यहीं पे शिफ्ट हो गया और 4 साल के बाद सोहन सेठ की मदद से करोड़ों का मालिक बन गया है। सर आपकी एक एडवाइस ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते। अब ऐसा करो, तुम दोनों फटाफट शादी कर लो। और इस कंपनी में शादीशुदा होने के कई फायदे हैं, जैसे घर, गाड़ी एंड मोर। ये मौका तुम्हें अब मिल रहा है, बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी खुशी की गल है, पर जिगर आने तक बाबूजी। हाँ? आप तो जानते हैं ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और वैसे भी प्रिया का मेरे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर तेरी खुशी इसी विच हैगी तो मैंने 10 कप करनी है, मैं सारे गांव वालों नू न्योता भेजता। बाबूजी ऐसा है कि तुम मैंने पूछना है ये बताने। सुबह जरा फोन दे। देखिए इनकी हालत बहुत नाजुक है, इस उम्र में दौरा आना काफी हानिकारक हो सकता है। जी। इस दौरे की वजह से इनके जिस्म के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया है। डॉक्टर साहब हमारे पाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? वाहेगुरु पे भरोसा रखिए। अरे अमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? बस बाबूजी का इंतजार कर रहा हूँ। What's wrong? He's not listening to me. बेटा बाबूजी आ जाएंगे, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? चलो बेटा ऊपर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कम कम। बाबूजी के बिना मैं हूं ना। तुम लोग ऊपर जाओ, मैं संभाल लूंगा। लाओ मुझे दो फोन। हाँ बेटा कपूर साहब को दे दो, वो संभाल लेंगे। कम। Go ahead. Come on, बेटा, come on. चलो ऊपर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कम। हेलो अमन बी जी, मैं तितली बोल रही हूँ। एक मिनट, उसके घर से फोन है। हेलो मैं सोन सेठ बोल रहा हूँ। सर जी मैं तितली बोल रही हूँ, अमन बी जी है, उनसे कुछ बहुत जरूरी गल करनी है। अमन इस वक्त यहाँ नहीं है। जी उन्हें बता दीजिए कि उनके बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्होंने
ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ पता नहीं बाबू जी क्यों नहीं आए आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो अगर बाबूजी की नाराजगी दूर करनी है तो पहुंच जाना उनकी खूबसूरत बहू को लेकर घर पे सारी नाराजगी दूर हो जाएगी लेकिन हनीमून के बाद हनीमून जी हाँ ये रहे आपके टिकट्स फॉर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड एब्सोल्यूटली अरे भाई देख क्या रहे हो चलो चलो जल्दी करो फ्लाइट का टाइम हो गया गाड़ी तैयार है कमॉन 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 गेट गोइंग थैंक यू यू वेलकम बेटा वेलकम एक घर को अगर दो हिस्सों में बांटना हो तो उसके एक हिस्से में खुशियों की रोशनी भर दो दूसरे हिस्से में तकलीफों का अंधेरा खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेगा ये दवाई सुबह लेनी है और इस तेल से मालिश करनी है चल दयाल कर और ये दिन में दो बार लेनी है ठीक है और रात को ये कैप्सूल देने हैं चंगा जी आ वाली दिन से दो बार अमंदा कुछ पता चलिया सुना है बहू को लेके विलायत गया है एक बात बोलूं पाजी साड़ा अमन बहुत बदल गया है बदला नहीं वड़ा हो गया है अब ओदी दुनिया वड़ी हो गई है पढ़ लिख कर आदमी वड़ा बनता है है तो सुनिया लेकिन उसके लिए उसके अपने छोटे हो जाते है नहीं सुनिया बाबूजी सत श्री अकाल बाबूजी बाबूजी की नाराजगी मुझे समझ में नहीं आती शादी में नहीं आए आशीर्वाद तक नहीं दिया सिर्फ इस वजह से कि मैंने गांव में शादी नहीं की अमन वो जिगर को लेकर परेशान होंगे जिगर हमेशा जिगर मेरी जिंदगी और मेरी खुशी की किसी को परवाह नहीं मैं भी तो उनका बेटा हूं अमन अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है और कैसे जीना है
और अगर उसकी बीवी ने एफआईआर दर्ज कर दिया तो? नहीं करेगी, उसका एक बच्चा भी है। भेज दो कागजात। ये हमारे गांव का किसान ज्ञानी है, इसने आत्महत्या कर ली। पढ़ा मैंने, बहुत अफसोस हुआ। आई गेस लाइफ इज टफ। इसीलिए मैं चाहता हूं बाबूजी और जिगर इस जिंदगी से दूर रहें। बहुत हो गया, सुबह उठकर हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना। यू नो समथिंग, मैं चाहता हूं वो सोनसेट का ऑफर ले ले, अपनी जमीन बेचकर हमारे साथ शहर आ जाए, आराम की जिंदगी बिताए, दुनिया देखे। तुम तो अपनी जिंदगी जीना चाहते थे ना, क्या हुआ, गुस्सा ठंडा हो गया? नहीं, आखिर में उनका बेटा हूं ना, आई वॉन्ट देम टू हैव अ गुड लाइफ। आइए बाबूजी, सोहन सेठ। हाउ डू यू डू सर? दयाल जी, मैं आज यहां सौदे की बात नहीं करने आया हूं। अमन, अमन के साथ मेरा एक बेटे जैसा रिश्ता बन चुका है। मैं ये जमीन नहीं बेचने वाला। ये अमन की अच्छाई है जो आप लोगों को तकलीफ से निकालना चाहता है। हमारी तकलीफें तो तुम्हारे आने से शुरू हुई है। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? गांव वालों ने पैसे दी चमक दिखाकर अंधा कर देता है, और तेनो भी पहरे अंधे तो तुम लोग हो जो ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हो। मैं यहां आज अपने फायदे के लिए नहीं आया था। अमन ये चाहता है कि आप लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन अगर आपको ये धूल मिट्टी पसंद है तो मुबारक हो। बस मैं चाहता हूं कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तो यहां से दफा हो जाओ। सर, सर मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। ये क्या है बाबूजी? वो मेरे बॉस है। आपने सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं की है, आपने अपने बेटे की भी की है। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं, मैं आपकी तरफ हूं। तो फिर उस तरफ क्यों खड़े हो? पता नहीं आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। पुत्र तू समझने की कोशिश कर। तू समझाएगा मुझे? लेकिन पुत्र तू मुझे समझाएगा? तू होता कौन है समझाने वाला? चल निकल यहां से। अमन, मैंने लगता है तेनों जाना चाहिए। ठीक है बाबूजी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी तरह ये मौका नहीं गवा सकता। मेरे हिस्से की जमीन आप मुझे दे दीजिए। मेरी जिंद दा लाडला पुत्र, मैंने अब तक वसीयत नहीं बनाई, पर जल्द भी बनाऊंगा। मैंने पता है उस पर किसका नाम होगा। जा पुत्रा, तेरा रब रखा, मैं ते हां मजबूर। हेलो। हेलो प्रिया दीदी। हाँ तितली बोलो। आपको पता है आज की होया? क्या हुआ? अमन बीजी आए थे सोहन सेठ दिनाल और ताईजी दिनाल झगड़ा हो गया। मैं आ रही हूँ। बाजी ये छोटी बात नहीं है, आप बीमार हैं और अमन कुछ नहीं जानता, और इस गलतफहमी की वजह से वो आपसे दूर होता जा रहा है। मैं नहीं जानता क्यों मेरी लाचारी पर तरस खाए। मेरे कौलान वास्ते हमदर्दी वजह नहीं होनी चाहिए। मैंने मेरा पुराना अमन चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं। तुमने फोन किया, ये सोहन सेठ ने हमें बताया क्यों नहीं? मैनू लगता है इस बंदे की कोई चाल है। मैनू लगता है कि अमन बीर जी को ये सब बताना चाहिए। अभी नहीं, अमन पर इस वक्त सोहन सेठ का भूत सवार है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मुझे पहले सोहन सेठ के बारे में कुछ पता करना पड़ेगा।
सस्त्रीकाल मैं प्रिया क्या रही हूँ बाय गुड नाइट Hello. I had a long day. I'm tired. Yeah, me too. Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal puttar. Papa ji nahi aaye? Chal, kar chal. सत श्री अकाल भाभी जी मुझे पता था कि तुम आओगे आओ मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ कैसे हो जिगर राजी बैठो सब ठीक तो है प्राची जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है आपने बहुत बुरा किया क्या बात है आपको पता है गांव की हालत पापा जी की हालत इसमें मेरी क्या गलती है मैंने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की सोहन सेठ को भी ले गया था उनके पास लेकिन उन्होंने मेरी नहीं बल्कि उनकी भी बेइज्जती की बाबूजी ने मुझे अपने घर से नहीं अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया ये घर ही क्यों इस घर में जो कुछ भी है सब सोहन सेठ का दिया हुआ है बाबूजी का नहीं सोहन सेठ मुझे समझते हैं बाबूजी नहीं सोहन सेठ को मेरा ख्याल है बाबूजी को नहीं भाजी आप पापा जी की बराबरी सोहन सेठ के साथ कर रहे हैं देखा दैट्स द प्रॉब्लम विद यू पीपल हर बात को उल्टा समझते हो मुझे समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता तुम लोगों को समझाना नामुमकिन है अमन चल चल दे आ रवे
तेरी तो ऐश है यार। निर्मल एक काम कर दे यार, तेरी गड्डी दी चाबी दे जा, असी एदे नाल ही ऐश कर लेवांगे। ओए निर्मल मैनू पता है ए गड्डी विच तेरी जान है, ओए रत्ती पर खरोश नहीं आंदूंगा, दे दा यारा। काकू गड्डी ने कुछ होया ना तो तेरी जान ले लूंगा। ओए जिगर, ओए मैं तुन उस खेत में ढूंढ रही थी, तू इत्थे? ओए की, ओए चल, ओए कमाल है, चल मार दिए, चल चल। देखो सारिया रोटियां खाना, एक भी छोड़ना मत, बहुत मेहनत लगती है। पहले तो आटा गूंदो, आटे में कितना पानी डालो उसका ख्याल रखो, फिर बेलो, फिर टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए उसका ख्याल रखो, फिर तवे दबाओ, तवे पर से थोड़ा भी ध्यान हटा ना तो या तो मेरा हाथ जल जाना या रोटी ने, ये पकड़ो, देखो मेरा हाथ जल गया। थोड़ा ध्यान कितने सी थोड़े बारे में सोच रही सी। फिर सी घर जाना, खेता विच नहीं। कुछ नहीं, पैर विच मोच आ गई। कैसे? खेत चू चली आ रही सी, गिर गई। गिर गई या गिराई गई? निर्मल जी बोलो। मेरी बात ठीक से सुनो, हमारे सारे इन्वेस्टर्स हमें छोड़कर जा रहे हैं, मरो या मारो, हमें हर कीमत पर दयाल सिंह की जमीन चाहिए। ठीक।
ठीक है। खुश रहो। बाबूजी, आपने इस दिवाली भगवान से क्या मांगा? अमन्ना। बाबूजी, जब से मन आप सबसे अलग हुआ है, ना चाहते हुए भी मैं आप सबसे दूर हो गई। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे तितली जैसी बहन, जिगर जैसा भाई और आप जैसे बाऊजी मिले, और मैं हमेशा आप सबके साथ रहूं। तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सोहन सेठ के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया है। जल्दी आपका अमन आपके पास वापस आ जाएगा। पाजी, 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 किसी ने हमारे खेत खलिया में चाक लाती। खेती करो पाजी। अमन सिंह, हमने हमारी पूरी कोशिश कर ली है। शी इज वेरी क्रिटिकल, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। शी मिस कैरेट। सब आप लोगों की गलती है। छोड़ दीजिए प्रिया और मुझे अकेला, छोड़ दीजिए, चले जाइए यहां से। प्लीज गो, गो।
आज रात एक साथ खत्म करता हूं।
क्या कर रहा है? तूने जो आग लगाई है उसकी वजह से ना सारा प्रेशर मुझ पे पड़ रहा है और आज रात तेनू यहां से निकलना पड़ेगा। आ मेरे नाल चल बैठ गड्डी च। ओए मैं कहीं नहीं जा रहा, जिन्नू जो खाना उखाड़ ले। निर्मल ऊपर से मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, शायद मैं संभाल नहीं पाऊंगा। दरवाजा बंद कर। चल वीरा। प्रिया की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसका अंतिम संस्कार यहीं से हो। पूरी जिंदगी आपने मुझे अपने से दूर रखा, अब रुक के क्या फायदा बाबूजी? ये क्या कह रहे तू? तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं तो सिर्फ एक टुकड़ा हूं, लेकिन वो है आपका पूरा जिगर। पूरी जिंदगी आपने उसे अपने पास रखा और मुझे भेज दिया शहर। आपको एहसास भी है बाबूजी कि मेरा बचपना कैसे गुजरा? जब आप उसे सीने से लगाकर सोते थे तब मैं पूरी रात जागता था आपका सपना पूरा करने के लिए। बाबूजी
मैं वही बना जो आप मुझे बनाना चाहते थे, और अब जब मैं वो बन गया हूं तो आप कहते मैं अलग हो गया, मैं बुरा हो गया, मेरी सोच बदल गई। नहीं बाऊजी, मैं बुरा नहीं हूं बाऊजी, बुरा नहीं हूं। आपने मुझे दूर क्यों भेजा बाबूजी, दूर क्यों भेजा बाबूजी, दूर क्यों भेजा। नहीं नहीं बाबूजी, अब नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। मेरी जिंद दा लाडला हो चलया आए दूर, अखां नूं कवां रोण तूं रुक जा, मेरी अखियां दा आए निर्मल, छड़ी से, ये तेरे मेरे बीच की गल है, मैं तेरे नाल चलूंगा, मर्दी जबान है, छड़ जा, आखिरी बार मिले उससे। तू जा अंदर, अंदर जा। कुछ नहीं होगा, नहीं। जीते जी तू मेरे पुत्र नु नहीं ले जा सकता। अबे ओए अपाहिज बुड्ढे, तू क्या कर लेगा? Oh!
कौन? जी, ये वकालत कुछ काम तो आई। अब ये हादसा सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। जिंदाल, रिपोर्ट जरा सोच समझ के बनाई। या तो तू उन्ना दी तरफ है या साड़ी तरफ। करता रे, चुक ले ननू। जी पापा जी। हाँ? शब्बीर अहमद, सीबीआई। यू आर अंडर अरेस्ट। Arrest him.